दोस्तों बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 को शुरू होने में अब केवल एक ही हफ्ते का समय बाकी बचा है और ऐसे में फैंस जो है इस बार के सीजन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इन दिनों जो है वो बिग बॉस के मेन सीजन से ज़्यादा बिग बॉस के ओटीटी सीजन जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और ऐसे में ओटीटी सीजन 3 को स्पेशल बनाने में मेकर्स अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो ये भी आया है कि इस बार शो का फॉर्मेट जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, यहाँ तक कि शो के होस्ट को भी बदल दिया गया है। सलमान खान होस्ट नहीं करने वाले, सलमान खान की जगह AK यानी कि अनिल कपूर इस बार के सीजन को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं अब अगर घर के अंदर आने वाले कंटेस्टेंट की अगर बात करें तो आपको बता दें कि पहले भी कई नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें कि कृति सेनन की बहन नुपुर सेन, मीका सिंह, अनुषा दांडेकर, तनुश्री दत्ता और भव्या गांधी का नाम सामने आया था। अब हाल ही में कुंडली भाग्य, जी हाँ दोस्तों, सीरियल कुंडली भाग्य के जो एक्टर है उसका एक नाम सामने आ रहा है। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि कुंडली फार्म जो भाग्य है सीरियल उसका फेमस एक्टर संजय गगनानी है। जी हाँ दोस्तों, संजय को इन दिनों जो है बिग बॉस के सेट के बाहर देखा गया है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय जो है वो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर में हमें बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है अपडेट सामने नहीं आई है, उन्होंने कोई हामी नहीं भरी है मीडिया के सामने। और हाल ही में ये सुनने में भी आया है कि बिग बॉस के घर के अंदर जो है वो संजय गगनानी अकेले नहीं जाने वाले हैं, उनकी जो एंट्री है वो उनकी पत्नी के साथ यानी कि पूनम प्रीत भाटिया के साथ में होने वाली है। ऐसे में इस कपल को फैंस देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। फिलहाल आप इन दोनों को एक साथ घर के अंदर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।